going to be about nerves, it's going to be about skills, son. Can't get bigger than this. Just gets into a very good position to be able to play this particular shot. नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच वेस्टइंडीज के शुभ कदम इंग्लैंड में क्या पड़े, क्रिकेट इवेंट्स की बारिश सी हो गई है। पहले तो टेस्ट सीरीज, फिर इंग्लैंड आयरलैंड वनडे सीरीज, आईपीएल की डेट्स, सीपीएल की तारीख, ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड टूर। माने भले ही हम लोग अभी गली मोहल्ले में बल्ला लेकर दोस्तों को आवाज ना लगा पा रहे हों, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट कोरोना के खिलाफ तैयारियों के साथ झामफाड़ तरीके से लौट आया है। इंग्लैंड और आयरलैंड की वाइट बॉल सीरीज अभी खत्म ही हुई है और होम टीम पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गई है। ज्यादा सोचिए मत, इंग्लैंड क्रिकेट ने दोनों फॉर्मेट में अलग अलग टीमें उतारी हैं। जो टीम आयरलैंड के खिलाफ खेल रही थी उसके खिलाड़ी टेस्ट में नहीं होंगे, भूमिका पूरी हुई। अब सीधे बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड मुकाबले। वेस्टइंडीज को टेस्ट में पीटने के बाद अब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से भिड़ने के लिए तैयार है। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। पहला मैच 5 अगस्त से मैनचेस्टर के मैदान पर होगा। जी हाँ, वही मैनचेस्टर जहां के मौसम ने पिछले दिनों टेस्ट मैचों में जमकर खेल दिखाया था। सबसे पहले बातचीत करते हैं पुराने हिसाब किताब की। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 83 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें 25 बार इंग्लैंड और 21 बार पाकिस्तान जीता है। यानी टेस्ट में दोनों टीमों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे एक बात है, 2010 के बाद से 5 बार दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज हुई है और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को एक बार भी जीतने नहीं दिया है। बात करते हैं कि दोनों टीमें कहां हल्की पड़ सकती हैं। इंग्लैंड भले ही वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीत कर आ रहा है, लेकिन फिर भी इस जीत में वो बात नहीं थी। वेस्टइंडीज इस सीरीज में इंग्लैंड के खेल से नहीं बल्कि अपनी गलतियों से हारा है। इंग्लैंड की सबसे बड़ी कमजोरी तो क्लियर है, उनकी बैटिंग। बेन स्टोक्स और टॉम सिबली को छोड़कर बाकी बैट्समैन कहीं भी कुछ खास करते नहीं दिखे। रोरी और रूट ने एक अच्छी पारी खेली, लेकिन उसमें भी टेस्ट क्रिकेट वाला पेशेंस नहीं दिखा। बॉलिंग की बात करें, जोफ्रा आर्चर जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा काम वो अभी तक नहीं कर सके। अब पाकिस्तान की बात करें तो टीम कोरोना लॉकडाउन के बाद पहली बार खेलने उतर रही है। उनके लिए निश्चित रूप से एक नई शुरुआत और एक नया अनुभव होगा। मौजूदा पाकिस्तान टीम के पास अनुभव की थोड़ी सी कमी सी भी दिख रही है। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में यासिर शाह को छोड़कर बाकी सारे बॉलर नए ही हैं। वहीं बैटिंग में पूरी टीम कप्तान अजहर अली और बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमती है। पाकिस्तान की इस टीम में मैच विनर कई हैं, लेकिन अनुभव की रेस में वो इंग्लैंड से काफी पीछे हैं। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। लल्लन टॉप की हमारी टीम को लगता है कि इंग्लैंड की टीम विंडीज के खिलाफ खेली सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। इंग्लैंड की टीम में एक बार फिर से रोरी बर्न्स, डॉम सिबली ओपन करेंगे। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में कप्तान जो रूट और बेन स्टोक्स रहेंगे, साथ में ओली पॉप, जोस बटलर भी बैटिंग को मजबूती देंगे, जबकि गेंदबाजी में क्रिस वोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड और डॉम बेस के अलावा जोफ्रा आर्चर और जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की ताकत होंगे। इधर पाकिस्तान भी मैनचेस्टर में अपने पेस अटैक के साथ जाना चाहेगा। उनकी टीम में आबिद अली और शान मसूद पारी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में कप्तान अजहर अली, बाबर आजम और असफ शफीक खेल सकते हैं, जबकि शादाब खान और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान बैटिंग को और मजबूती दे सकते हैं। वहीं नीचे यासिर शाह, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी के अलावा मोहम्मद अब्बास भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। वैसे पाकिस्तान के कोच मिसबाह उल हक ने हाल ही में इशारा किया था कि वे दो स्पिनर्स के साथ भी उतर सकते हैं। खैर, सीरीज भले बदल गई हो, लेकिन प्लेयर स्पॉट ऐप अब भी वही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए और बना डालिए अपनी 11। कंफ्यूज है तो जान लीजिए कि कैसे बनाएंगे इसे। ये है प्लेयर स्पॉट कप का ऐप। अब इसके अंदर आपको बनानी है टीम। टीम बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल जाना है, यहाँ माई स्क्वाड्स हैं। अब एक स्क्वाड क्रिएट कर लेंगे हम। 3 से 6 बल्लेबाज होने चाहिए, हमने 4, 1, 5 बल्लेबाज हमने रख लिए, जो रूट, रोरी बर्न्स और इनके साथ असद शफीक और आबिद अली और साथ में बाबर आजम। अब हमको बॉलर चाहिए होंगे तो हम बॉलर रखेंगे। 5 प्लेयर हमारे हो चुके हैं, अब हमको 4 प्लेयर हो चाहिए। ब्रॉड एंड ब्रॉड के साथ डॉम बीस और पाकिस्तान के दोनों पेसर नसीम शाह और शाहीन अफरीदी। साथ में एक ऑलराउंडर की जगह अभी हमारी टीम में है तो वो बेन स्टोक्स होंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसके बाद विकेट कीपर हम रखेंगे बटलर को। तो इस तरह आप अपनी पसंद के 11 प्लेयर्स लेकर अपनी टीम बना सकते हैं। इसके बाद आपको एक कैप्टन चुनना होगा जिसके आपको डबल पॉइंट्स मिलेंगे, और सॉरी कैप्टन के आपको 1.5 पॉइंट्स मिलेंगे, और एक स्टार चुनना होगा जिसके डबल पॉइंट मिलेंगे।
तो मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स मेरे कैप्टन हो सकते हैं, और स्टार के रूप में मैं चुनना चाहूँगा किसको, जो रूट को, क्योंकि जो रूट से काफ़ी उम्मीदें हैं। ये हो गई मेरी टीम सेव। अब मैं कोई सा भी एक पॉड ज्वाइन कर सकता हूँ इसमें से, तमाम सारे पॉड्स हैं। मान लीजिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया, अब मैंने ये हो गया पूरा आपका प्रोसेस। इस तरह से आप अपनी टीम बना सकते हैं इस ऐप पर। समझ गए पूरी कहानी? तो डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाकर डाउनलोड करिए प्लेयर स्पॉट एप्लीकेशन और जीतिए ढेर सारे इनाम। अब बात करते हैं टॉस की। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए अच्छी खबर आ सकती है। इस मैदान पर 2013 से अब तक कुल 7 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 5 और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सिर्फ 1 मैच जीता है। इस मैदान पर पहले बैटिंग करना फायदेमंद हो सकता है। बीते महीने खेले गए दोनों टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग की और मुकाबला जीत लिया। मैनचेस्टर के इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम आधा मैच टॉस जीतते ही जीत लेगी। बाकी मौसम की अपडेट यह है कि पहले दिन हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी के दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है, यानी कि नतीजा आएगा। अब जानिए इस मैच में क्या क्या रिकॉर्ड बन सकते हैं। इस मैच के जरिए इंग्लिश स्टार जेम्स एंडरसन टेस्ट हिस्ट्री में 600 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के चौथे और इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बन सकते हैं। जो रूट अगर इस मैच में 103 रन बना लेते हैं तो वो मार्क वॉक 8029 रन, गैरी सोबर्स 8032 रन से आगे निकल जाएंगे। अंत में बात टेस्ट चैंपियनशिप की और उसके मौजूदा हाल की। टेस्ट चैंपियनशिप की जंग जारी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-1 से जीतने के बाद इंग्लैंड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में तीसरे स्थान पर है। अगर इंग्लैंड इस सीरीज के 2 मैच जीत जाती है तो वो 306 पॉइंट के साथ ऑस्ट्रेलिया से आगे दूसरे स्पॉट पर आ जाएगा। हालांकि वे 3-0 से जीतने पर भी नंबर 1 टीम यानी कि भारत से आगे नहीं निकल पाएंगे। वही बात पाकिस्तान करें तो वो इस लिस्ट में 140 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर हैं। अगर वे सीरीज को 3-0 से जीतते हैं तो वे इंग्लैंड से आगे 260 पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इस लिस्ट में टॉप पर बैठी है टीम इंडिया, जिसे 4 सीरीज खेलकर 360 पॉइंट्स बनाए हैं। तो ये हुआ प्रीव्यू, बाकी मैच का पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा डी लल्लन टॉप पर। मैं हूँ सौरभ, आप देखते रहिए क्रिकेट की बमचक। शुक्रिया।